लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं भक्ति हूँ, भक्त को भगवान के द्वार तक पहुँचाने वाली भक्ति। मैं पूजा हूँ, भक्त के मन में भक्ति की अलख जगाने वाली पूजा है। साध्वी बनी विरजा का महोत्कट स्वागत करते हैं। राक्षसी विरजा ने अपनी चमत्कारी शक्ति से अनेक नाग प्रकट किए और उनका विष स्वर्ण पात्र में एकत्र किया। अपनी शक्ति द्वारा विष को खीर में बदलकर विरजा ने महोत्कट से खीर ग्रहण करने का आग्रह किया। मैंने अपने हाथों से स्वयं आपके लिए ये स्वादिष्ट खीर बनाई है। माता द्वारा बनाए हुए मिष्ठान का माता को ही भोग। सांसारिक परंपराओं को तो आप भली भांति जानती हैं। अपने आराध्य को सब कुछ समर्पित कर देने की ही परंपरा है। पुत्र के लिए तो माता पिता ही आराध्य हैं। साध्वी माता जी, इतनी से खीर से हम सबका पेट नहीं भरेगा। आप जाएं, हम सबके लिए खीर बनाएं और हम साथ साथ भोजन करेंगे। आप कष्ट ना करें, मैं सबके लिए भोजन बनाती हूँ। उस भोजन के साथ हम ये स्वादिष्ट खीर भी खाएंगे। मेरा हृदय न तोड़े श्री गणेश, मैंने कितने प्रेम से आपके लिए ये स्वादिष्ट खीर बनाई है। प्रेम से समर्पित की हुई किसी भी वस्तु को स्वीकार करना भी तो एक परंपरा है। यदि आपने इसी समय मेरा ये उपहार ग्रहण नहीं किया तो मैं बिना कुछ खाए पिए यहाँ से लौट जाऊंगी। पुत्र श्री गणेश, तुमने इन्हें माँ कहकर सम्मानित किया है, इनकी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। देवी अदिति के कथन पर चकित न हो महोत्कट। जिनका सम्मान किया जाता है उनकी आज्ञाओं के पालन में परंपराओं पर विचार नहीं किया जाता है। पुत्र, जो आज्ञा मैं साध्वी माता की बनाई खीर को स्वीकार करता हूँ, परंतु मैं इसे खाऊंगा कैसे? वैसे ही जैसे आप माता अदिति द्वारा बनाया हुआ भोजन करते हैं। मैं भोजन कहाँ करता हूँ? क्या आप भोजन नहीं करते? माता कराती है तो कर लेता हूँ, माता खिलाती है तो खा लेता हूँ। माता के हाथों से भोजन करने का स्वाद भला अपने हाथों से भोजन करने में कहाँ। ऐसा क्यों नहीं कहते श्री गणेश कि आप मेरे हाथों से ये स्वादिष्ट खीर खाने की इच्छुक नहीं है? ये क्या कर रहे हैं श्री गणेश? मुझे छोड़ दें। क्या आप अपनी माता का हाथ भी इसी प्रकार काटते हैं? छोड़ दें श्री गणेश। पुत्र महोत्कट, तुम्हारा ये आचरण अनुचित है। आप साध्वी देवी को छोड़ दें, छोड़ दें पुत्र। हाँ।
क्या पुत्र? देवी अदिति, हमारा पुत्र हमारे आराध्य परम देव श्री महागणेश का अवतार है। वो जो कुछ भी करेंगे उसी में हम सबका कल्याण है। ऐसा भी तो हो सकता है ऋषिवर कि महतकट श्री गणेश के परम पावन दर्शन पाकर इसकी दुष्टता का वास्तव में अंत हो गया हो। इसके दुष्टता का प्रमाण है इस खीर का रंग बदलना। भूमि का स्पर्श पाकर पातालवासी राक्षसी नागों के हलाहल विष से सराबोर इस खीर का रंग बदल गया। ये दुष्टा मुझे समाप्त करने के लिए नागों का हलाहल विष खीर में मिलाकर लाई थी। महतकट, इस राक्षसनी के हाथ से कुछ खीर तो तुम्हारे मुंह में भी गई है ना? शीघ्रता से वमन करो पुत्र, वमन करो। देवी अदिति, इस संसार का समस्त हलाहल विष भी तुम्हारे पुत्र महतकट श्री गणेश का बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि पुत्र महतकट हमारे आराध्य परम देव श्री महागणेश के अवतार है। ये संसार उन्हीं की इच्छा से चलायमान है। अब इसका क्या होगा स्वामी? इसने अपनी करनी का दंड भोग लिया है। अब ये महतकट की ओर आंख उठाकर देखने का भी दुस्साहस नहीं करेगी। आपका कथन सत्य हो पिताश्री, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता इतनी सरलता से नहीं छोड़ता। बड़े भैया, सरलता से मयूरेश्वर श्री गणेश अपनी पराजय स्वीकार नहीं करते। जब पराजय के निकट होते हैं तब अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करने लगते हैं, जो अनुचित है। प्रश्न अब उचित और अनुचित का नहीं है मयूरेश्वर। आपके बड़े भैया कार्तिक है, सदा आपके खेल में दोष ढूंढते रहते हैं। यदि आप उन्हें खेल में पराजित कर दें तो वे रूठ कर बैठ जाते हैं। उनके साथ न खेलना ही उचित है। अपने बड़े भैया को पराजित कर मैं भी प्रसन्न नहीं होता। प्रसन्न तो तब होता हूँ जब वे मुझे पराजित करते हैं। अर्थात आपको उनके संग खेलना प्रिय लगता है? निसंदेह। परंतु उनके बार बार रूठने से खेल का आनंद समाप्त हो जाता है। अपने रूठे हुए बड़े भैया को मनाना मुझे आता है। प्रणाम षणमुखेश्वर कार्तिके। अपने इस भक्त पर रुष्ट ना हो मुरुगन स्वामी, उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। कुमार कार्तिके और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। कुमार कार्तिके और श्री गणेश की जय। कुमार कार्तिके और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। कुमार कार्तिके और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। पति परमेश्वराय नमो नमः। नारायण नारायण, ओम सांब सदाशिव की जय। प्रणाम माता पार्वती। आपका कैलाश पर स्वागत है देवऋषि। देवऋषि, इन दिनों आपका आवागमन कैलाश की अपेक्षा अदिति आश्रम में अधिक होने लगा है। नारायण नारायण। मुझे ज्ञात है देवऋषि कि आपके नारायण नारायण उच्चारण में हर प्रश्न का उत्तर समाया रहता है, परंतु ये भी सत्य है कि आपके मन में मयूरेश्वर से अधिक महोत्कट गणेश के प्रति भक्ति जागृत हो रही है। शिव 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 शिव। माता, ये आप क्या कह रही हैं? मेरे लिए तो परमदेव श्री महागणेश के सभी अवतार पूज्य हैं, परंतु मैं ये क्या देख रहा हूं? परमदेव की लीला के कारण माता पार्वती द्वारा निर्मित श्री गणेश न जाने कहां दृश्य हो गए। इसी कारण माता पार्वती उदास सी दिखने लगी हैं। चतुर नारद, तुम्हें विषय और प्रसंग को बदलना भलीभांति आता है। तुमने जो कुछ भी कहा वो सत्य नहीं है। देवी पार्वती के मन में गजानन गणेश और मयूरेश्वर गणेश में तनिक भी भेद नहीं है। नारायण नारायण,
तो माता के उदास होने का क्या कारण है महादेव? मेरी उदासी का प्रसंग उठाकर आप निसंदेह अपने किसी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं देव ऋषि। स्वामी का कथन सत्य है, मेरे लिए गजमुख गणेश और मयूरेश्वर गणेश दोनों एक समान है। नारायण नारायण। सत्य कहे माता, क्या आप उनसे स्नेह नहीं करती? क्या मेरे इस रूप में आपको अपने गजमुख गणेश की छवि दिखाई नहीं पड़ती? क्या मुझे कोई भूल हो गई माता? नारायण नारायण। ये तुम्हारा भ्रम है मयूरेश्वर, मेरा स्नेह तो गणेश के हर रूप के प्रति एक समान है। आप सत्य नहीं कह रही हैं माता। क्या तुम्हें मेरे स्नेह में कोई अंतर दिखाई पड़ता है? हाँ माता, मुझे आपके आँखों में वह ममता नहीं दिखाई दे रही जिसका मैं अधिकारी हूँ। तुम बहुत अधिक बोलने लगे हो मयूरेश्वर। महागणेश की लीला देख रहे हो नारद, इस लीला का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य है। नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, परम देव की इस लीला का क्या उद्देश्य हो सकता है? समय से पूर्व यदि लीला का उद्देश्य जान जाओगे तो लीला निर्देश्य हो जाएगी। देवी अदिति, साध्वी बनी राक्षसी विरजा बेसुध पड़ी हुई है, न जाने कब तक वो यूं ही बेसुध पड़ी रहेगी। हमने अपनी आंखों से देख लिया स्वामी कि ये दुष्टा हमारे प्रिय पुत्र महटकट को समाप्त करने के उद्देश्य से आई थी। आपने इसके प्राणों की रक्षा करवा के उचित नहीं किया। शरणागत की रक्षा करना हर व्यक्ति का परम कर्तव्य होता है। उसने मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगी थी, उसके प्राणों की रक्षा करके हमने अपने कर्तव्य का पालन किया है देवी अदिति। महत्कट के विरुद्ध इसका पहला प्रहार असफल रहा, अब यह महत्कट के विरुद्ध और अधिक हिंसक हो जाएगी। महत्कट श्री गणेश की माता होकर इस प्रकार चिंतित होना शोभा नहीं देता है देवी अदिति। वो तो साक्षात परम देव श्री महागणेश के अवतार है। देखो ना, विरजा के आश्रम में होते हुए भी वो कितने निश्चिंत सो रहे हैं। राक्षसी रूप में लौट आई है, अचेत होने पर भी इसके भयानक मुख पर क्रोध दिखाई पड़ रहा है। स्वामी, महत्कट निद्रा मग्न है, ये दुष्ट किसी भी समय सचेत होकर हम पर आक्रमण कर सकती है। हमें अपनी सुरक्षा के लिए महत्कट को जगाना चाहिए। देवी अदिति, महत्कट को जगाने की आवश्यकता नहीं है, वो संसार की रक्षा के लिए सोते समय भी जागते रहते हैं। देवी अदिति आप निश्चिंत रहे, देवी अदिति निश्चिंत रहे आप। कैसे निश्चिंत रहूं? इस दुष्टा को देखकर कैसे निश्चिंत रहूं? अपने आराध्य परम देव श्री महागणेश की आराधना करें, उनका स्मरण करें, वो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आए देवी अदिति, अपने आराध्य की आराधना करें, आए।
गणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। मेरा मुंह क्या देख रहे हो मूर्खों? बताते क्यों नहीं कि विरजा अपना कार्य संपन्न करके अभी तक लौटी क्यों नहीं? कहीं वो उस दुष्ट मायावी गजमुख के सम्मुख असफल तो नहीं हो गई होगी? कहीं उसके प्राण तो नहीं निकल गए होंगे? अट्टहास करके मेरे क्रोध को और न बढ़ाओ। क्षमा करे दैत्य माता, परम दैत्य शक्ति संपन्न विरजा असफल हो ही नहीं सकती। हमें उसकी सफलता पर अनेक भी संदेह नहीं है। तो वो अब तक लौटी क्यों नहीं? हो सकता है अब तक विरजा को गजमुख का वध करने का अवसर ही ना मिला हो। उस दुष्ट गजमुख का वध करने के लिए अवसर की क्या आवश्यकता?